ये जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं ना, नॉन टैक्सेशन पर्सन से, मतलब जिसको टैक्स की नॉलेज नहीं है, या मतलब जो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा इन चीजों के लिए, वो पर्सन इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है इन चीजों में, बहुत ज्यादा वो समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है ये असेसमेंट ईयर, क्या है फाइनेंशियल ईयर, क्या अभी क्या होता है। जब आप कुछ भी मान के चलते हैं कि आपको भी इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं थी, अभी AY FY हो सकता है आपको पता हो और नहीं पता होगा तो अभी समझ लेंगे। तो अब तक क्या होगा, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे ना, आप क्या सर्च करेंगे, जैसे ना टैक्स रेट के स्लैब सर्च करने हैं, आपने कहा कि टैक्स रेट के स्लैब सर्च करने हैं, कोई भी आपने ईयर बोल दिया, लाइक आपने कह दिया कि मुझे बाद का पता करना है, ठीक है, सो आपने 2021 बोल दिया, सो आपने कहीं का भी कोई भी टैक्स ईयर बोला, जैसे रफली मैंने कहा 2021 की आपने बात करी, आपने कहा टैक्स स्लैब सर्च करा ईयर 2020-21, अब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, वहां पे ना आपको पता है कभी तो असेसमेंट ये लिखा आएगा, कभी फाइनेंशियल ईयर लिखा आएगा, कभी AY लिखा होगा, कभी FY लिखा होगा, आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। असेसमेंट ईयर 2020-21 का मतलब हो गया आप 2019-20 की डिटेल निकाल रहे हो, एक साल पहले की डिटेल निकाल रहे हो, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कंफ्यूजन का पार्ट हो जाता है। जब इनकम टैक्स की रिटर्न आती है ना, बहुत बार होता है क्लाइंट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जैसे लास्ट रिटर्न कब की फाइल हुई है, कह रहा एक मिनट मैं देखता हूँ ना अभी, वो अपने क्या करते हैं पेपर निकालते हैं, और पेपर निकालते हैं उसमें देखा, कहने लगे कि सर इसमें ना रिटर्न जो है ना मेरी, जैसे अभी मान के चलते हैं आज मैंने कहा जून का टाइम कह देता हूँ, ठीक है जून 2021 या 20 बोल दो कुछ ही बोल, जून 2020, ठीक है, आज पर्सन आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी लास्ट रिटर्न कब है, वो देखने लगे सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रहा, सर इसमें ना 2021 लिखा हुआ है, तो मतलब मेरी तो मार्च 2021 तक की गई हुई है रिटर्न, कब की रिटर्न गई है मार्च 2021, मैंने कहा भैया अभी तो जून 2020 चल रहा है, 2021 तक की रिटर्न कैसे, जो कमाए नहीं उसके ऊपर आपने रिटर्न कैसे फाइल कर दी, 2021 का मतलब मार्च 2021 तो आप फाइल करोगे ना, अभी इनकम अर्न करोगे, तो समझ में आ जाता है कि भाई वो गलत देख रहा है। तो वहां पे क्या होता है असेसमेंट ईयर लिखा होता है, और असेसमेंट ईयर का मतलब एक साल पहले की एक्चुअल रिटर्न हो गया। सर अब कंसिडर मत करो, बताओ किसमें कौन सा क्या मतलब होता है। देखो एक होता है मेरा असेसमेंट ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। पहले मैं बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब हो गया मेरा नॉर्मल ईयर, ठीक है, मतलब जिस टाइम पीरियड की एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं वो मेरा क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। नोट करना है नोट कर लो, मैं कहो तो यहां पे लिख दूं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ओरली बता देता हूं आपको, ध्यान से समझना। कोई सा भी सन ईयर ले लेते हैं, 1920 ले लेते हैं। सो 1920 की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो इसमें मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो भी हमारा ईयर चलता है, स्कूल वाला ईयर चलता है, अकाउंटिंग ईयर चलता है, मतलब जैसे स्कूल का सेशन चलता है ना अप्रैल से मार्च, तो सारे अकाउंटिंग सिस्टम हमारा ऐसे ही चलता है अभी। सो इस वाले में सिस्टम में क्या होगा, जैसे ही मैं कहूंगा अप्रैल, तो अप्रैल कब से बात करूंगा, 1 अप्रैल 2019, और फिनिश कब होगा, 31 मार्च 2020, अगले साल खत्म होगा तभी तो जाके एक साल पूरा हुआ, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक मेरा क्या चलेगा, पूरा का पूरा 1 ईयर चलेगा। ये इस साल जो मैंने इनकम अर्न करी है मैं उसकी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ठीक है, मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो भी अर्न करा है मैं उसकी रिटर्न फाइल कर रहा हूं। तो ये जो रिटर्न जा रही है ना, कौन से फाइनेंशियल ईयर की जा रही है, ये फाइनेंशियल ईयर जा रही है 2019-20, मतलब जब मैंने अर्न करा है, एक्चुअल उसी की बात कर रहा हूं, एक्चुअल उसी की बात कर रहा हूं कि ठीक है भाई 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, यानी कि इसी पीरियड को मैं क्या कह रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर मतलब एक्चुअल ईयर है। असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में आप उसका असेस कर रहे हो, चेक कर रहे हो। जब आपकी इनकम होती है ना वो अगले साल चेक होती है, बात समझ में आ रही है। 31 मार्च तक तो आप कमा ही रहे थे, अभी कमाने में ही बिजी थे, उसमें कैलकुलेट कब करते, पूछे नहीं मैंने। 31 मार्च की शाम को थक हार के ऑफिस से पसीने बहाते हुए आए, अब जब रात को आए तो अब रात को तो हिम्मत नहीं थी ना, तो अगले दिन जाके आपने देखा, बहुत से ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट ईयर आपने देखा, जब नेक्स्ट डे देखा तो देखा अरे भाई ये तो मेरा नया साल आ गया। सो क्या हुआ, पिछले साल का हिसाब अगले साल करते हैं, क्योंकि पिछले साल के लास्ट मोमेंट तक रात 12 बजे तक तो हम काम करने में बिजी थे, अर्निंग करने में बिजी थे। सो सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में समझो,
कि जो आप कमाते हो वो जिस टाइम पीरियड में जिस ईयर में आप अर्न करते हो उसका असेसमेंट अगले साल होता है। सेम आपके स्कूल का सिस्टम है, बोर्ड एग्जाम समझ लो, याद होंगे ना जो सीनियर देख रहे होंगे अपना अपने याद आ रही होगी बोर्ड एग्जाम के टाइम की। तो बोर्ड एग्जाम में कैसा होता था, बोर्ड एग्जाम में ही रहता था कि भाई ठीक है अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ, मार्च में फिनिश हो गया और उसका रिजल्ट आता था अगले ईयर में, ठीक है, जैसे अप्रैल के बाद मई और जून के बीच में रिजल्ट आता था। सेम सिस्टम यहाँ पे, ये पूरा ना बोर्ड एग्जाम ही है। सो इन्होंने कहा पूरे साल की मेहनत, जितना आपने कमाया अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो ये तो आपका सेशन हो गया कौन सा फाइनेंशियल ईयर। पर जब उसका असेसमेंट होगा, जब आप रिटर्न फाइल करोगे, जब आपका हिसाब होगा, वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो जब भी अब से असेसमेंट ईयर पढ़ोगे, असेसमेंट ईयर लिखा है 2021, तो मतलब समझ जाओ कि भाई इससे इसको छोड़ो एक साल पीछे चलो, यानी 19-20 की इनकम की बात कर रहा है ये। क्लियर हुआ? डन डन डन। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स कमेंसिंग 1st अप्रैल ऑफ एवरी डे, एवरी ईयर आना था ये डे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कोई दिक्कत हो। असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 मंथ्स कमेंसिंग 1st अप्रैल एवरी ईयर, हर साल के 1st अप्रैल से जो मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है उसको असेसमेंट ईयर कहता हूँ। देखो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा अपना जो मैंने बोला है ना वीडियो के बाद, उसको या अभी बीच में पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लेना एग्जाम्पल समेत और लिख लेना कि 12th के बोर्ड एग्जाम है मेरे, ये 10th के बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है, रिजल्ट हमारा जून के आसपास आता है, यहाँ पे भी रिटर्न हमारी जून के आसपास ही जाती है, सेम वही कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं है। फाइनेंशियल ईयर मतलब ये नॉर्मल ईयर है मेरा अपना, ठीक है, जो आपका क्या है 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च होता है, तो ये पिछले वाला साल है। क्लियर? सो असेसमेंट आने वाला साल, मतलब जिस साल में मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जिस ईयर की फाइल कर रहा हूँ, वो क्या है मेरा फाइनेंशियल ईयर। अब प्रीवियस ईयर हो जाता है, प्रीवियस ईयर ना फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर ही होता है नॉर्मली। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, अब पिछले साल की तो बात समझो ना, मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब भाई पिछले साल, वो पिछला साल क्या है मेरा, वो तो फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि इसी साल की तो रिटर्न कर रहा हूँ। और मैं पहले की कभी की प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, मैंने कहा प्रीवियस ईयर ऑफ कौन सा मेरा फाइनेंशियल ईयर, तो मैं पहले से पहले की कर रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर ऑफ 2005, सो मैं मतलब 2005 से पहले, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, पिछला तो किसी का भी हो सकता है ना प्रीवियस ईयर, तो वो सीधी सी बात। क्लियर हुआ? डन हुआ? सो सिंपल सा, जिस साल में रिटर्न फाइल कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर, रिटर्न एक्चुअल में पिछले साल की करता हूँ क्योंकि लास्ट रात तक तो मैं बिजी था काम करने में, तो जब मैं जिस ईयर की कर रहा हूँ वो मेरा क्या है फाइनेंशियल ईयर। इससे हिंदी लैंग्वेज मुझे नहीं लगता है हो सकती है, और इसमें मैंने इतना ज्यादा मेहनत क्यों बार बार रिपीट करा, 3 या 4 बार रिपीट करा, क्योंकि बात तक भी कन्फ्यूजन हो जाता है वरना। होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, देख रहे हो ना कैसे इतना, मतलब यही टॉपिक को मैंने इतना इन डेप्थ कवर कर दिया, वीडियो मेरी कितनी बनी है 8 मिनट्स की। सो दैट्स वाई प्राणिगत तरीका है, मतलब अभी इसमें मैंने लिख के कुछ टाइम वेस्ट नहीं करे वो सब चीजें, तो क्रक्स में टाइम आपकी है, टाइम इज मनी, ठीक है ना। सो आपकी वो सेव होना चाहिए आपको, अगर मैं कहूँ ना कि आप इसको बहुत स्पीडली कवर करना चाहते हो, सीखना सब चाहते हो लेकिन टाइम नहीं देना चाहते हो, तो ये कोर्स तब भी आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है।